13 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। भारत की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी में है। ऐसे में हैदराबाद में होने वाला तीसरा T20 मैच काफी अहम होगा। दूसरे T20 मैच में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, उससे कहीं ना कहीं ये बात साबित हो गई कि तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या रहेगी टीम। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन चौहान। तीसरे T20 मैच में भारत की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकते हैं। ओपनर के तौर पर धवन और रोहित शर्मा भारत को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करेंगे। रोहित शर्मा दोनों T20 मैचों में फ्लॉप रहे, ऐसे में निर्णायक T20 में रोहित शर्मा की तरह से अच्छा परफॉर्म करना होगा ही। वहीं धवन भी अब तक वापसी के बाद से दोनों ही T20 में कोई खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में तीसरे T20 मैच में धवन रोहित शर्मा के साथ एक अच्छी पारी खेलकर भारत को T20 सीरीज जिताने में अपना अहम योगदान देने की कोशिश करेंगे। कप्तान कोहली आश्चर्यजनक रूप से T20 में कोई कमाल नहीं दिखा पाए, ऐसे में उनसे उम्मीद होगी। दूसरे T20 मैच में पांडे नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन टीम की बल्लेबाजी इस कदर चरमरा गई थी कि पांड्या कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे में आखिरी T20 मैच में पांड्या एक बार फिर नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। नंबर 5 पर धोनी बल्लेबाजी करने आएंगे। अभी तक धोनी अपने बल्ले से कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। तीसरे T20 मैच में धोनी को नंबर 5 पर बल्लेबाजी कराई जा सकती है। धोनी के फैंस चाहेंगे कि तीसरे T20 में माही के बल्ले से रन बरसें और भारत को ऐतिहासिक जीत मिले। मनीष पांडे का फॉर्म कोई खास नहीं रहा, ऐसे में तीसरे T20 मैच में वो बेंच पर बैठ सकते हैं और दिनेश कार्तिक को मौका मिल सकता है। कार्तिक एक मंझे हुए बल्लेबाज हैं और उन्हें पता है कि दबाव में किस तरह से बल्लेबाजी की जा सकती है। ऐसे में अहम मुकाबले में कोहली कार्तिक को मौका दे सकते हैं। जाधव एक कमाल के बल्लेबाज हैं, लेकिन खुद को अभी तक साबित करने में नाकाम रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के बाद भारत की टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है। ऐसे में जाधव यदि खुद को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बनाए रखना है तो तीसरे T20 मैच में अच्छी पारी खेलनी ही होगी। हालांकि सभी स्पिन गेंदबाज अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन दूसरे T20 मैच में कोई भी कमाल नहीं दिखा पाए। ऐसे में हो सकता है कि कुलदीप यादव की जगह अक्षर पटेल को टीम में मौका दिया जाए। ऐसे में तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को मौका दिया जा सकता है।